बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को मिली धमकी के बाद उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई। अब सलमान खान को सुरक्षा में वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है। एक्टर की सुरक्षा में एक और घेरा बढ़ाया गया है। सलमान खान की सिक्योरिटी में अब 51 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे, जबकि उनके पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा भी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ भाईजान के साथ साए की तरह बने रहेंगे। मुंबई पुलिस ने सलमान की सिक्योरिटी को लेकर तमाम इंतजाम किए हैं। 11 जवान सुरक्षा में तैनात किए गए, सभी हथियार चलाने में माहिर। 4 ट्रेंड कमांडो तैनात सुरक्षा गार्ड्स, आधुनिक पिस्टल, अत्याधुनिक MP, 5 गन से लैस सुरक्षा गार्ड्स के पास AK 47 हथियार। सुरक्षा में शामिल पुलिसकर्मी दूसरे घेरे में होते हैं। 35 निजी बॉडीगार्ड्स, सुरक्षा में शामिल बॉडीगार्ड शेरा की निगरानी में 35 निजी गार्ड, कुल 3 लेयर की सुरक्षा रहेगी। जिस भी पुलिस स्टेशन के दायरे में सलमान खान शूटिंग करेंगे, वहां की लोकल पुलिस भी सुरक्षा में शामिल होगी। सलमान के बॉडीगार्ड शेरा सलमान के लोकेशन की जानकारी स्थानीय पुलिस से साझा करेंगे, जिसके बाद स्थानीय पुलिस उनके आने से पहले लोकेशन सुरक्षित करेगी। बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन कल मिली धमकी के बाद सलमान की सुरक्षा अभेद्य कर दी गई है। अब वाई प्लस सिक्योरिटी यानी करीब 25 सुरक्षा कर्मी सलमान की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहेंगे। इसके साथ ट्रेंड कमांडो भी मौजूद रहेंगे। 25 सुरक्षा कर्मी 2 शिफ्ट में काम करते हैं। इस सुरक्षा दल के साथ 2 से 3 गाड़ियां होती हैं, जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी शामिल होती है। प्राइवेट बॉडीगार्ड सलमान के सबसे नजदीक रहकर सुरक्षा देंगे। इसके अलावा सलमान के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये अपार्टमेंट है सलमान खान का घर, और इस तरफ एक अस्थाई चौकी बनाई गई है, जहां पर 4 से 5 पुलिसकर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं, जो सलमान खान के घर के ठीक बाहर जो है निगरानी रख रहे हैं। इसी तरह से एक और अस्थाई चौकी आप देखिए सड़क के उस पार बनाई गई है। इसके अलावा 2 बड़ी पुलिस वैन यहाँ पर खड़ी हैं। किसी भी जगह पर पहुँचने के बाद सलमान को तुरंत गाड़ी से उतरने की मनाही है। कमांडो से हरी झंडी मिलने के बाद ही सलमान कार से उतर सकते हैं। सलमान खान खुद भी 0.32 कैलिबर की पिस्टल अपने साथ रखते हैं। मुंबई पुलिस उस शख्स की भी तलाश कर रही है, जिसने पुलिस को सलमान के नाम धमकी भरा मैसेज भेजा था। जम्मू कश्मीर के पुंछ पुलिस ने एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिनका संबंध जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स यानी कि JKGF से है। सुरक्षा बलों ने 3 ग्रेनेड और एक पिस्टल भी बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो 2 खतरनाक आतंकी हैं, जो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे ये सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आ गए। 2 आतंकवादियों को हमने गिरफ्तार किया है और उनसे कुछ असला और एम्युनिशन की बरामदगी हुई। ये दोनों आतंकी JKGF ग्रुप के हैं। दोनों आतंकी काफी समय से एक्टिव थे और पिछले 1 साल में पुंछ में हुए ग्रेनेड हमलों में भी शामिल थे। यही नहीं, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में थे और बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। तो दिवाली से पहले किसी बड़े आतंकी हमले की एक फिराक में ये दोनों आतंकी थे, और उसी से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने दोनों को पकड़ कर एक बड़े आतंकी हमले को यहाँ पर टाल दिया है। इनके हवाले से मिली पिस्टल ये साफ तौर पर दिखाती है कि किसी तरह की टारगेटेड किलिंग करने की कोशिश में लगातार जुटे हुए थे। इससे पहले कल शोपियां में आतंकवादियों ने बिहार के एक मजदूर अशोक चौहान की हत्या कर दी थी। उसका शव रिमबियारा नदी के बेसिन के पास से बरामद हुआ था। उमर अब्दुल्ला के CM बनने के बाद घाटी में ये पहली आतंकी वारदात थी, जिस पर उन्होंने ट्वीट भी किया। बिहार के मजदूर अशोक की हत्या पर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी दुख जताया है। ऐसे में JKGF के 2 आतंकियों को पकड़ा जाना बड़ी कामयाबी है। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। हरिद्वार के बहादुरबाद क्षेत्र के मीरपुर गांव में बुलडोजर के जरिए यहां पर धार्मिक संरचना को गिरा दिया गया। मजार नुमा ये धार्मिक संरचना थी, क्योंकि मजार नुमा ढांचा पुनर्वास विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। अवैध मजार नुमा संरचना को गिराने का आदेश हरिद्वार के DM कर्मेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया, जिसके बाद SDM अजय वीर सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके लिए 2 बुलडोजर मंगवाए गए और उनकी मदद से कुछ ही देर में मजार नुमा ढांचे को गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पहले से ही वहां पुलिस वालों को तैनात किया गया। साथ ही पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन के सिंहस्थ की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार दूसरे दिन बुलडोजर गरजा। अधिकारियों की मौजूदगी में कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके लिए कई बुलडोजर मंगवाए गए।
इन बुलडोजरों की मदद से एक एक कर अवैध रूप से बनाए गए कई मकानों को गिरा दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान वहां कोई हंगामा ना हो, इसके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक दिया गया, जबकि भारी तादाद में पुलिस वाले पहरा देते दिखाई दिए। शासन के और कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि कोई भी संघर्ष क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। उसी तारतम्य में हम लोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम मौके पर उपस्थित हुई और कल से कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक वहां करीब 90 मकान अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिनमें से ज्यादातर मकानों को गिरा दिया गया, जबकि बाकी बचे अवैध निर्माण को गिराने का काम जारी रहा। राजस्थान के टोंक में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन विवादों में है। यहां कोर्ट से स्टे के बाद भी नगरपालिका का बुलडोजर जमकर गर्जा। और सड़क किनारे अवैध निर्माण दुकानों को ध्वस्त कर दिया। एसडीएम की मौजूदगी में इस एक्शन के खिलाफ दुकानदारों ने विरोध भी जताया और कोर्ट से स्टे की कॉपी भी चस्पा कर दिया। बावजूद इसके बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक नहीं लगा और अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया। बताया गया कि नगर पालिका ने ही इन दुकानों को किराए पर लगाया था, जिसे खाली करने के लिए पहले नोटिस दिया गया और जब किराएदार नहीं माने तो कोर्ट से स्टे लगने के बावजूद अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की ये कार्रवाई मालपुरा के व्यास सर्किल के पास हुई, जिसके खिलाफ स्थानीय दुकानदारों में गुस्सा है और एसडीएम के खिलाफ स्वायत्त शासन को शिकायत की गई, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक नहीं लग पाई। हैदराबाद के श्री मुथिलम्मा देवी मंदिर पर हुए हमले में नाराज कुछ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान भारी तादाद में प्रदर्शनकारी मंदिर के पास इकट्ठा हो गए, जिससे वहां हालात बिगड़ गए। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। भागने के दौरान कई लोग सड़क पर ही गिर गए। भीड़ को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पुलिस के एक्शन के बाद वो लोग वहां से चले गए, जिसके बाद वहां चारों तरफ जूते चप्पल बिखरे हुए नजर आए। काफी देर तक हुए हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। सरहद इंसानों के लिए है, दिल के रिश्तों के लिए नहीं। जौनपुर के मोहम्मद अब्बास हैदर ने ये बात सच साबित कर दिखाई। अब्बास ने पाकिस्तान की लड़की से ऑनलाइन निकाह किया। शुक्रवार की रात इमामबाड़ा कल्लू महरूम में शाहिद अपने बेटे मोहम्मद अब्बास की बारात लेकर पहुंचे और टीवी स्क्रीन पर सभी के सामने ऑनलाइन निकाह करवाया गया। दुल्हन पाकिस्तान के लाहौर में थी। इस दौरान दोनों पक्ष के लोगों ने दूल्हे और दुल्हन को दुआएं और मुबारकबाद दी। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। निकाह की रस्म शिया धर्मगुरु मौलाना महफूजुल हसन ने पूरी कराई। दरअसल बीजेपी नेता तहसीन शाहिद ने एक वर्ष पहले अपने बेटे मोहम्मद अब्बास हैदर की शादी लाहौर में अपने रिश्तेदार की बेटी अंदलीप जहरा से तय की थी, लेकिन शादी की तारीख आने तक वीजा नहीं मिला। लड़की की मां भी गंभीर रूप से बीमार थी, ऐसे में ऑनलाइन निकाह का फैसला किया गया और दोनों मुल्कों के मौलाना की रजामंदी के बाद सैकड़ों बारातियों की मौजूदगी में टीवी स्क्रीन पर सभी के सामने ऑनलाइन निकाह करवाया गया। निकाह के बाद अब दुल्हन की पाकिस्तान से वीजा मिलने के बाद विदाई का इंतजार है। यूपी के बागपत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तेजवीर नाम के एक युवक की हत्या के आरोप में गौरव त्यागी और तीन अन्य को सजा हुई थी, लेकिन अब पता चला कि तेजवीर पाकिस्तान की लाहौर जेल में जिंदा है। जेल में सजा काटकर जमानत पर बाहर आए गौरव का दावा है कि दो साल पहले पुलिस ने जिस युवक तेजवीर की हत्या के आरोप में उसे जेल भेजा था, वो जिंदा है और पाकिस्तान की लाहौर सेंट्रल जेल में बंद है। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस रिकॉर्ड में मृत तेजवीर पाकिस्तान में पकड़ा गया। के जिस युवक की हत्या की वारदात के मामले में बागपत के चार युवक सजा काट रहे हैं, वो युवक पाकिस्तान की सेंट्रल जेल में बंद है, जिसका दावा LIU की रिपोर्ट में हुआ है। यह खुलासा तब हुआ जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने तेजवीर के बारे में हिंदुस्तान के अधिकारियों से जानकारी मांगी तो LIU विभाग की टीम तेजवीर के घर पहुंची। तब उन्हें पता चला कि वो हिंदुस्तान में मर चुका है। इसके बाद हत्या के आरोपी गौरव के घर जाकर भी पूछताछ की गई। हत्या आरोपी गौरव के परिवार को जब पता चला कि तेजवीर पाकिस्तान में जिंदा है तो उन्होंने जानकारी को पुख्ता करने के लिए RTI लगाकर जानकारी मांगी तो उनकी बात सच साबित हुई। अब हत्या आरोपी गौरव ने खुद को बेकसूर बताते हुए कोर्ट और SP बागपत से न्याय की गुहार लगाई है।
राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द न करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र अभिषेक शर्मा कोहनी के सहारे रेंगते हुए प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर पहुंचे और गणेश जी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी छात्र अभिषेक शर्मा एसआई भर्ती छात्रों के परिजनों और रिश्तेदारों के साथ मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे और भगवान गणेश के चरणों में एसआई भर्ती को यथावत रखने की अर्जी लगाई। एसआई भर्ती को यथावत रखने के लिए मोती डूंगरी गणेश जी के चरणों में यह ज्ञापन देने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी जब राजस्थान आए तो वह अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए यह निर्णय लें कि राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 को यथावत रखा जाता है। फरियादी अभिषेक ने कोहनियों के बल रेंगते हुए मंदिर पहुंचकर गणेश जी के दरबार में हाजिरी लगाई और कहा कि वो ईमानदार लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बैनर पर स्लोगन भी लिखा गया कि अपराधियों को छोड़ो मत, ईमानदारों को छेड़ो मत। आंदोलनकारी अभिषेक ने एसआई भर्ती को यथावत रखने और ईमानदार छात्रों के साथ न्याय करने की मांग की है।